आपके कंप्यूटर में आपका वाईफाई डोंगल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वाईफाई का आइकॉन शो नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे? जबकि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे हम टर्बो सूट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का पॉपअप शो होता है। यहाँ पे हम इसे फिक्स करने की कोशिश करें, लेकिन ये फिक्स नहीं होता। तो देखिए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम जब आता है, जब कुछ ड्राइवर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो जब ड्राइवर ही नहीं होगा तो यहाँ पे शो ही नहीं होगा। तो मतलब विंडोज़ को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी क्या आपके मदरबोर्ड में कौन सा हार्डवेयर लगा है। तो देखिए, यहाँ पे हम जाएंगे मैनेज में। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वायरलेस यूएसबी वाईफाई एडाप्टर है, वो यहाँ पे देखिए एक डाउन एरो का निशान आइकॉन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसे, ये क्या अपडेट मांग रहा है कि क्या कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसे अपडेट करके देखते हैं। ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे पहले। अब देखिए, डिवाइस इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, इसे हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अनेबल लिख रहा है। तो अनेबल यानी डिसेबल कैसे हो गया ये ऑटोमेटिक? तो चलिए यहाँ पे हम अनेबल करके देखते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे कुछ साउंड आया, थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, करीब इसे 1 मिनट होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये, अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इधर देखिए, यहाँ पे वाईफाई का जो सिंबल होता है वो आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर तो दोस्तों, अगर आपके भी कंप्यूटर में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके ड्राइवर कहाँ से इंस्टॉल करने हैं, कैसे इसको सेटअप किया जाता है, अगर ये आपके पास सेम वाईफाई एडाप्टर है, तो इसका वीडियो मैंने बना दिया है, आपको आई के बटन में मिल जाएगा। अगर आपके पास इसका ड्राइवर नहीं है, तो उसका वीडियो भी मैंने बना दिया है, वो भी आपको आई के बटन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक सीखते रहिए और देखते रहिए कुछ नया सीखे चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।